नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आखिरकार किसानों की कई महीनों की मेहनत रंग लाई है। तीन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। करीब साल भर से चल रहे आंदोलन के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। देखिए किसानों के एक साल के आंदोलन की कहानी प्राइम टीवी की जुबानी। 17 सितंबर 2020 ये वही तारीख थी जब किसानों में आंदोलन की आग भड़की थी। ये वही दिन था जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानून पास हुए थे। आइए पहले आपको बताते हैं क्या थे वो तीन कृषि कानून जिसने किसानों में आंदोलन की आग जगाई थी। पहला कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 है। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 है। इसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या फिर कंपनियों को करनी होगी। तीसरा कानून आवश्यक वस्तुओं संशोधन बिल 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम से अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। ये थे तीनों कृषि कानून। लेकिन पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिनों में 14 सितंबर को ये कृषि सुधार अध्यादेश वित्त विधेयक के तौर पर संसद में लाए गए, जबकि इनको 17 सितंबर को लोकसभा से पारित किया गया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों के बीच 3 नवंबर से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों और सड़कों पर छुटपुट प्रदर्शनों और विरोध का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान हुआ और किसान चल पड़े दिल्ली की सीमा पार करने। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के ऐलान के बाद दिल्ली की सरहदों पर पश्चिम की ओर से पंजाब, हरियाणा और पूरब की ओर से यूपी उत्तराखंड के किसानों ने सीमा पर डेरा डाला। इस बीच सरकार की ओर से और बातचीत के 4 दौर भी चले, लेकिन किसान नेता इन कानूनों में संशोधन का सुझाव करने या उन पर चर्चा करने की बजाय तीनों कानूनों को वापस लेने पर ही अड़े रहे और बातचीत के सभी दौर फेल रहे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। बातचीत के सभी दौर फेल होते ही प्रदर्शन ने भी तूल पकड़ा। लेकिन दिसंबर का महीना जहां कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बीच किसानों ने हार नहीं मानी और अपनी मांग पर अड़े रहते हुए प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। इसी बीच 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गईं और कोर्ट ने एक विशेष समिति भी बनाई। समिति में किसान नेता जीएस मान को भी शामिल किया गया, लेकिन मान ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि समिति के सदस्य सरकार और कृषि कानूनों के समर्थक हैं और समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। बीते
बीतते दिनों के साथ इस आंदोलन को विपक्षी नेताओं और जनता का समर्थन मिलने लगा। फिर आई 26 जनवरी जब किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि सभी किसान प्रदर्शनकारी लाल किले तक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन जब प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी तो बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टरों से हरियाणा और यूपी की सीमा से दिल्ली में बस घुसने की सांकेतिक घोषणा करके वापस अपने अपने राज्यों में लौट जाएंगे। लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए गणतंत्र दिवस की सुबह ही प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुस गए। फिर इस दिन दिल्ली की सड़कों पर जो तांडव हुआ उसने इतिहास दर्ज कर लिया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले से तिरंगे की जगह सिख निशान लहराया गया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि पुलिस को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इस प्रदर्शन के बाद गाजीपुर सीमा पर तनाव बढ़ गया। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद लगने लगा कि आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा। इस बीच कुछ किसान संगठनों ने भी अपने आप को आंदोलन से पीछे कर लिया। वहीं 28 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मीडिया से बातचीत करने के दौरान भावुक हो गए, जिसके बाद पूरा मामला एक बार फिर से पलट गया। कुछ ही समय में राकेश टिकैत के निकलते हुए आंसू वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रात में ही बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करने निकले। किसानों का ये आंदोलन अब देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी होने लगा था। किसान आंदोलन पर कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसका सरकार ने विरोध किया। चाइल्ड एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया। वहीं इस मामले के बाद में 21 साल की छात्रा और पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। लगातार इतने हंगामे और प्रदर्शन के बीच ये आंदोलन और मजबूत हो गया। जब आंदोलन को ममता बनर्जी का साथ मिला, अब किसान नेताओं ने अपना विरोध तेज करते हुए बीजेपी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। इसके बाद बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता पहुंचे और लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। जब बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आए तो किसानों ने भाजपा की करारी हार को अपनी जीत बताई। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। महीनों बीत गए लेकिन किसानों के हौसले नहीं झुके। मौसम बदल गया, तपती गर्मी आई, आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए। किसानों के यूनियन संयुक्त मोर्चा ने 26 मई को काला झंडा दिवस घोषित किया, लेकिन सरकार जिस तरह से अड़ी रही, किसान समझ गए थे कि बॉर्डर पर बैठकर अब कोई हल नहीं निकलेगा, जिसके बाद अब किसान नेता अपने प्रदर्शन को महापंचायत तक लेकर गए। वो जगह जगह महापंचायत करते हुए सरकार का विरोध करने लगे। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में किसानों ने महापंचायतें बुलाई। सितंबर महीने में यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और भाजपा को डर सताने लगा कि कहीं बंगाल की तरह उन्हें यूपी में भी मुंह की ना खानी पड़े। लगातार चल रहे प्रदर्शन के बाद किसान और किसान नेता एक तरह से ठंडे पड़ गए थे,
लेकिन तिकुनिया कांड के बाद सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया, जहां आंदोलन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने किसानों को रौंद दिया, जिसमें चार की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंघू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहाँ पे होगा। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है, तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। कृषि कानूनों को एक साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। आज गुरु नानक प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। आज देश के नाम संदेश में मोदी ने जो ऐलान किया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने संबोधन में मोदी ने साफ किया कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस लिया जा रहा है। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ये घोषणा होते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और विपक्षी पार्टियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी, जिसमें राहुल गांधी, ओपी राजभर जैसे तमाम बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई, हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और उनकी शहादत की बदौलत ये तीनों काला कानून मोदी की अहंकारी सरकार ने वापस लिया है। उन सभी शहीदों को नमन है, प्रणाम है, उनको शहीद का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए। बहरहाल कृषि कानूनों पर सरकार से चल रही किसानों की जंग को सरकार ने अपनी तरफ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसे सरकार की मजबूरी कही जाए या मास्टर स्ट्रोक, पर इस फैसले ने विपक्ष के खेमे में हलचल तेज कर दी है।
ऐसे में किसानों में खुशी है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार से मतभेद जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो कृषि बिल को लेकर फैसला लिया है वो सराहनीय है, और इससे विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं बचा, मुद्दा विहीन हो गए विपक्ष, और उनको ना तो अब इलेक्शन में बोलने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए कुछ बचा है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, किसानों के लिए इतना कुछ करा, और ये बिल भी उनके फायदे का था, पर नहीं समझ पाए, अब जो भी है उनके फायदे के लिए ही किया है। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस तीनों किसान बिल वापस लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे किसान बिल किसानों के हित में था, शायद हमारे किसान भाई इस बिल को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से इसका विरोध किया उन्होंने। इस विरोध को देखते हुए, उनका काफ़ी नुकसान देखते हुए, आदरणीय मोदी जी ने इस बिल को वापस लिया। हो सकता है भविष्य में हमारे किसान भाई इस बिल को समझ सकें, समझने का मौका मिले उन्हें। वैसे पहले भी ये बिल किसानों के हित में था, आज भी फैसला किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसानों के विरोध में नहीं काम कर सकती है, हमेशा किसानों के हित में फैसला लिया गया है और लेती रहेगी। इसी के साथ एक बार फिर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं इस बिल को वापस लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की वजह से किसानों की आगामी दिनों में बैठक भी तय हुई है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल कृषि कानूनों पर सरकार से चल रही किसानों की जंग को सरकार ने अपनी तरफ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसे सरकार की मजबूरी कही जाए या मास्टर स्ट्रोक, पर इस फैसले ने विपक्ष के खेमे में हलचल तेज कर दी है। ऐसे में किसानों में खुशी है, वहीं कहीं ना कहीं सरकार में मतभेद जारी है। इसी की वजह से किसानों की आगामी दिनों में बैठक भी तय की गई है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।